सम्मानित मीडिया के साथियों, उपस्थित आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आ जाएगी हमारे मीडिया के चेयरमैन श्री नसमुद्दीन सिद्दीकी जी, पूर्व सांसद और पूर्व राष्ट्रीय सचिव रहे आदरणीय श्री राजाराम पाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और वर्तमान में हमारे विधायक साथी श्री सोहेल अख्तर अंसारी जी, NSY के प्रदेश अध्यक्ष भाई अनस रहमान जी, मीडिया के संयोजक लल्लन जी, कन्वीनर भाई श्री अशोक जी और उपस्थित हमारे मीडिया के सभी सम्मानित जो हमारे प्रवक्ता है अंशु अवस्थी जी सहित सभी सम्मानित साथियों, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और विलंब से अपनी प्रेस वार्ता करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार हम स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। कांग्रेस पार्टी त्याग, बलिदान, समर्पण और संघर्ष की पार्टी है और स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान और कांग्रेस के नेतृत्व में इस पूरे आंदोलन को करने का कार्य किया गया था। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर यूपी कांग्रेस के नेतागण व कार्यकर्ता प्रदेश के 30,000 ग्राम सभाओं में, वार्डों में 75 घंटे का प्रवास करेंगे। यह अभियान आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशन में 75 घंटे यानी 3 दिन कांग्रेस पार्टी 90 लाख लोगों से सीधा संपर्क अभियान बनाएगी। इस अवधि के दौरान चिन्हित गांवों और वार्डों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को हम 19 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं, 21 तारीख तक 3 दिनों तक लगातार चलेगा। पहले दिन के कार्यक्रम में मेरा गांव मेरा देश संवाद नामक कार्यक्रम होगा और गांव में जाने के बाद इसके अंतर्गत गांव में चौपाल लगाकर हमारे नेता कार्यकर्ता ग्राम सभाओं में, वार्डों में खेती किसानी, ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर बात करेंगे। दूसरे दिन दूसरा कार्यक्रम जो होगा वह श्रमदान का होगा और तीसरा जो 20 अगस्त को आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है, जिसे पूरा देश सद्भावना दिवस के रूप में मनाता है, लगभग 30,000 ग्राम सभाओं और वार्डों में सभी उस ग्राम में रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहित उनके परिवार और वरिष्ठ नागरिकों को भी हम सम्मानित करेंगे और साथ ही साथ संविधान का शपथ भी उस दिन सभी गांवों में कांग्रेस पार्टी दिलाने का काम करेगी कि भारत। ये मैंने 3 कार्यक्रम आपको बताए, कार्यक्रम बहुत सारे हैं, ये पहले दिन का कार्यक्रम नहीं। मैंने क्या कहा, मैं 3 मुख्य रूप से कार्यक्रम बता रहा हूं। पहले दिन हमारा कार्यक्रम है मेरा गांव मेरा देश,
इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सभाओं में सभी घरों में संपर्क अभियान, चौपाल लगाना, खेती किसानी और ग्रामीण जीवन के बारे में उनसे चर्चा करना, एक कार्यक्रम मैंने बता दिया, और भी कार्यक्रम एक दिन के होंगे। दूसरे दिन जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की का जन्मदिन है, जिसे पूरा देश सद्भावना दिवस के रूप में मनाता है, उस दिन हम 30,000 ग्राम सभाओं के और वार्डों में जो उस गांव में रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या सेनानी परिवार या वरिष्ठ जो नागरिक हैं, उन सभी लोगों को हम सम्मानित करेंगे। और आगे कार्यक्रम हमारा श्रमदान का भी होगा, विभिन्न कार्यक्रम जो आपके समक्ष भी आएगा। ये मैंने आपके समक्ष अपनी बात को रखने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।